भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने सौंपा ज्ञापन। बनी रहे न्यूज जतारा के साथ सागर सोनी की रिपोर्ट। खबर आई है पलेरा से। भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा 16 सूत्री मांगों को लेकर तहसीलदार महोदय को ज्ञापन प्रस्तुत किया गया एवं बैठकर चर्चा की। चर्चा में बताया गया है कि अधिकांश का ऐसे किसान जिनके वर्षों से तहसील कार्यालय में प्रकरण लंबित है, लंबित प्रकरणों को शीघ्र अति शीघ्र निराकरण कराने का कष्ट करें ताकि किसानों को भटकना न पड़े। अभी वर्तमान में बुवाई का समय आ गया है जिसके लिए समय पर बगैर किसी भेदभाव के बीज वितरण किया जाए ताकि किसानों को इसके लिए कहीं भटकना ना पड़े। भारतीय किसान संघ के जिला कार्यकारी सदस्य श्रीपद सिंह भदौरिया ने बताया कि पलेरा तहसील अंतर्गत ऐसे सैकड़ों मामले हैं जहां पर नामांतरण जैसी प्रक्रिया अटकी हुई है। साथ ही साथ शासन की महत्वाकांक्षी योजना बांध सुजारा नहर का लाभ विकास खंड के सभी किसान भाइयों को नहीं मिल पा रहा है। इसलिए तहसीलदार महोदय जी से अनुरोध है कि वंचित भू रकबा को इसमें शामिल कर वहां पर बांध सुजारा नहर को पहुंचाया जाए। इसी क्रम में जैविक किसान राघवेंद्र सिंह परमार के द्वारा तहसीलदार से बात करते हुए अपनी ओर से बात रखी कि प्रत्येक पंचायत स्तर पर भूमि सीमांकन का कार्य अगर छोटे छोटे खंडों में हो जाए तो ऐसी स्थिति में विवाद की स्थिति जो होती है उससे निजात पाया जा सकता है, जिस पर तहसीलदार महोदय के द्वारा आश्वासन दिया गया कि एक कमेटी का गठन कर इसके ऊपर श्री गतिशील कार्य प्रारंभ किया जाएगा। साथ ही साथ प्राप्त ज्ञापन को उच्चाधिकारियों तक प्रेषित कर लंबित प्रकरणों का निराकार जल्द से जल्द किया जाएगा। कार्यक्रम में उपस्थित सुनील रजक जनपद सदस्य नगरी, दशरथ प्रसाद धनुषधारी, परम लाल आदिवासी बनने बुजुर्ग, रश्मि राजा परमार, अरविंद सिंह, मुकेश अहिरवार, चतुर्भुज कुशवाहा, लाल बहादुर कुशवाहा एवं किसान संघ के कार्यकर्ता बैठक में मौजूद रहे। मैं दशरथ प्रसाद धनुषधारी, सामाजिक कार्यकर्ता, आज भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा तहसीलदार महोदया को 16 सूत्री मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया। इस ज्ञापन में अवगत कराया गया कि किसान बंधुओं के वर्षों से तहसील कार्यालय में लंबित प्रकरण पड़े हुए हैं, उन प्रकरणों को शीघ्र अति शीघ्र निपटारा किया जाए। साथ ही साथ तहसीलदार महोदय के साथ बैठक की गई। उस बैठक के दौरान कुछ किसान बंधुओं को उनसे मिलाया गया और उनकी समस्याओं को तहसीलदार महोदय के समक्ष रखा गया। तहसीलदार महोदय के द्वारा पूर्ण आश्वासन दिया गया कि मेरी ओर से उच्च अधिकारियों तक आपकी सूचना प्रदान कर दी जाएगी और ऐसे किसान बंधुओं के जो लंबित प्रकरण हैं उनको शीघ्र अति शीघ्र निपटारा कर दिया जाएगा।